थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट चीज जो भाई वीडियो देखेंगे वो चाहेंगे कि भाई किस पर्पज से अपन आए, तो वीर मेरे टूरिस्ट वीजे पे आओ मैया दबा के होएंगी, मैं सर्च करके बड़ी जल्दी बताऊंगा, विद इन 1-2 डेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। मोर ओवर कमाईयों का देखो कितनी ब्यूटीफुल सिटी है, कमाईयों का आपको किसी तरह की मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर कोरिया की तरह आते सर आपको काम नहीं मिल जाएगा, ये माइंड में मत सोचना कि हाँ गए और काम मिलना शुरू। एराबाइट्स पड़े हुए हैं वहाँ पे, एराबाइट्स वहाँ पड़े हुए हैं, हांगकॉन्ग में एराबाइट्स नहीं है मगर बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं हांगकॉन्ग में भी जो कि हमारे को काम दिलवाते हैं। हाँ जी यार, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो यार देखो हांगकॉन्ग में एंट्री तो हो गई है, ठीक है जी। अभी बस रात का समय है, टाइम बज रहा है कुछ 11:30 बज रहे हैं, अभी बस शूज उतार के स्लीपर डाली है और निकले हैं, बस मील वगैरह खा के आए हैं मैकडोनल्ड से। मैं अगर आपको पहले की बात बताऊं और आज की हांगकॉन्ग की बात बताऊं, तो पहले के टाइम में भाई जो मैं मील $24 की खाता था उसमें हमारे को बर्गर फ्रेंच फ्राइज कोल्ड ड्रिंक ये मेरे को मिलती थी $24 की, आज मेरे भाई वो मील हो चुकी है $46 की। मतलब अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो रुकते हैं साइड में, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो यार इन्फ्लेशन जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है ना, इतनी तेज़ी से आज की डेट में हांगकॉन्ग में महंगाई बढ़ रही है कि जो मील $48 की आया करती थी, इधर रुक जाते हैं, जो मील मेरा वीर $48 की आया करती थी, सॉरी $24 की आया करती थी, आज वही मील जो है वो $46 की आई भाई। जो आइसक्रीम थी वो मतलब एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम मुझे पसंद है जिसमें पीनट्स डले होते हैं और चॉकलेट होती है, वो आइसक्रीम में मैं खाता था इधर $6 की, इतनी बड़ी आइसक्रीम होती थी, और इधर अब है वो $12 की, आई थिंक $10 की। तो इन्फ्लेशन अगर हम देखा जाए, अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो मेरे भाइयों हांगकॉन्ग में इन्फ्लेशन उससे भी ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से हांगकॉन्ग में महंगाई बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से जो है ग्रो कर रहा है हांगकॉन्ग। प्लस एक अच्छी बात मैं बोलूँगा, वो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि अगर ये ग्रो कर रहा है ना तो ये आपको कमाईयों के साधन भी अच्छे दे रहा है। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे पीछे कि भाई अगर इतनी तेज़ी से इसकी महंगाई है, इतनी तेज़ी से इसके प्राइसेस ग्रो हो रहे हैं, तो क्या इसी हिसाब से उसकी कमाई है? तो जहाँ तक मैंने सुना था ब्रदर, मैंने भी किसी से सुना है कि पर डे की जो इनकी कमाई है वो है $8,000 पर डे की, जो कंस्ट्रक्शन के काम में काम करता है, जो किसी स्टोर में करता है, जो कहीं पर भी मतलब हांगकॉन्ग में आके काम करता है, तो उसकी जो पर डे की जो अर्निंग होती है वो होती है $800 तो इक्वल्स टू होते हैं 8,000 इंडियन रुपीज़, 8,000 से भी ऊपर ही होते हैं, 8,200-8,300 रुपये इंडियन रुपीज़ में बनते हैं। तो जिस हिसाब से इनकी खर्चे हैं उस हिसाब से इनकी मेरे भी कमाई भी है। अभी जस्ट हमारा एक फर्स्ट इम्प्रेशन है इस कंट्री के अंदर, ठीक है जी। अब आगे ये देखते हैं कि क्या कंट्री में कमाईयां हैं, अगर हैं तो कहां पर हैं, क्यों जहां पे मैं रुका हुआ हूँ चुंकिंग मेंशन में भाई, वहां पे लोगों के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो भाई लोग हैं पाकिस्तान के, कुछ लोग हैं भाई बांग्लादेश के, चलो बांग्लादेश तो हमारे इंडिया के हैं, वेस्ट बंगाल के, हम लोग उन पर फिर भी ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि जिससे मैंने होटल लिया है वो बांग्लादेश का ही है, ठीक है जी। तो उसने हमारे को रूम भी दिया, रूम कितने का दिया, 3 बंदों का दिया $200 का, तो कुछ 7,000-7,400 पर हेड आया हमारे को पर नाइट ₹700। तो अगर हम एस्टिमेट लगाएं पर मंथ का कि भाई हम अगर पर मंथ इधर रहते हैं तो हमारे को कितने का पड़ेगा, मतलब कि 21,000 रुपये का हमारे को पड़ेगा पर मंथ इधर का हांगकॉन्ग में हाउस रेंट, ठीक है जी। अगर हम एक टाइम की मील खाते हैं कुछ $20 की या $25 की, तो आप उसके हिसाब से लगाना कि दो टाइम भी अगर वो मील खाएं तो हमारे को कितना पड़ता है। प्लस हांगकॉन्ग में ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है उसके लिए बेस्ट पार्ट क्या है यार, हम लोग इधर ऑक्टोपस कार्ड ले सकते हैं, ऑक्टोपस एक कार्ड होता है जो कि आपके मेट्रोज में भी चलेगा, आपके बसेस में भी चलेगा, आपके हर जगह वो ऑक्टोपस का कार्ड ऑपरेट करेगा। तो थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भाई वीडियो देखेंगे वो चाहेंगे कि भाई किस पर्पज़ से अपन आए, तो वीर मेरे टूरिस्ट वीजे पे आओ
कमाइयाँ दबा के होएंगी, मैं सर्च करके बड़ी जल्दी बताऊंगा, विद इन 1-2 डेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। मोर ओवर कमाइयों का देखो कितनी ब्यूटीफुल सिटी है, कमाइयों का आपको किसी तरह की मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर कोरिया की तरह आते सर आपको काम नहीं मिलेगा, ये माइंड में मत सोचना कि हाँ गए और काम मिलना शुरू। एराबाइट्स पड़े हुए हैं वहाँ पे, एराबाइट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, हांगकॉन्ग में एराबाइट्स नहीं है, मगर बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं हांगकॉन्ग में भी जो कि हमारे को काम दिलवाते हैं। जितने दिन भी अभी हम 2-3 दिन मैं हांगकॉन्ग में हूँ, यही सोर्सेस ढूंढेंगे कि कैसे हमारे को काम मिलना चाहिए, कौन हमारे को काम देता है, कितने डॉलर पर डे के देता है, कैश देता है, वीक के देता है, मंथली देता है, ये सारा वो डिस्कस करेंगे मेरे वीर। तो ये सारी अभी तक की खबर है, ठीक है जी। बाकी मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से दिखा दूँ एक हांगकॉन्ग चलते चलते, ये ग्रीन हुई भी आ जाओ वीर, है बहुत ब्यूटीफुल यार। ये जो है ना हेरिटेज, हेरिटेज में मैं बताता हूँ आपको पहले क्या था। आज से कई साल पहले जब नीरव मोदी इस देश से भागा नहीं था, जब नीरव मोदी का ब्रांड हमारे इंडिया में चलता था, ये तब की बात है। ये जो हबलॉट खुला हुआ ना, यहाँ पे नीरव मोदी का ब्रांड खुलता था, इधर लिखा हुआ होता था नीरव मोदी और उसका आउटलेट यहाँ पे ऑपरेट होता था। बहुत ब्यूटीफुल चीज बनी हुई है यार, देखो बाकी यार मेरे भाइयों, कंट्री सुंदर है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है भाई, कंट्री सुंदर है, कंट्री एक्सपेंसिव भी है। ये सोच के मत आना कि बस हो गया काम, मेरे वीर कंट्री एक्सपेंसिव है, कमाइयाँ भी उसी हिसाब से हैं। साउथ कोरिया महंगी कंट्री है ना, पैसा भी दबा के देते हैं मेरे वीर,